एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है कॉलिन, उन्होंने मुझे बुलाया है और अगेन इट्स फॉर अ वेरी गुड कॉज. मतलब बच्चों के लिए कार्डियल फाउंडेशन वर्क करता है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मतलब इट इज़ जस्ट लाइक यू नो, इट जस्ट फील गुड, दैट्स अबाउट इट. कोशिश यही होती है कि अवेयरनेस जितना हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड हो पब्लिक में. हमारा जो भी हिस्सा है वो हम कर सकते हैं, बाकी सब डिपेंड करता है. बट सो येस, इट डज स्प्रेड आउट टू द पीपल दैट वी बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ कॉज, वी यू नो इंस्पायर यू गाइज टू बी अ पार्ट ऑफ सच कॉज टू. वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कितने सुपरस्टिशियस है. काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं, तो वो अगर आप मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है. जो फॉर्मेट है AIB का, वो डेफिनेटली इंडियन पब्लिक जो है वो एक्सेप्ट फ़िलहाल नहीं करती है. तो और अगर दूसरी बात, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ऑफेंड हुए हैं वो चीज़ को लेके, तो जितना हो सके उतना ना हो, या मे बी यू नो वी आर नॉट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ अ शो. होपफुली नियर फ्यूचर में हम डेफिनेटली रेडी होंगे, बट अभी बिल्कुल नहीं. ओके, सो इट्स एनिवर्सरी टाइम, सो हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑसम टीवी. वेल एक्चुअली माय फ्रेंड कुलीन, she was telling me about this event a month back, and if I wanted to come, and I said of course I would like to come here, I would love to come here, and even I want to support this, because this is actually something that I was not aware of. So I'm very happy that I'm aware of this now, and I truly want to support it, so I'm happy to be here. Mauka to maine already kaha ki main ये सपोर्ट करना चाहती हूँ. देन ऑल्सो द ब्रेस्ट कैंसर दैट इज देयर, आई डू सपोर्ट. सो यस, वो तो एक्चुअली मुझे पता नहीं, बट इट आई मीन इट्स वेरी कॉमन, जैसे मेरा नाम भी. सो या आई गेस दैट्स अ थिंग, यू नो, इट्स लाइक यू चूज योर आर्टिस्ट नेम. या अच्छा हाँ, वो वाला. वेल एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ वो चीज़ के बारे में. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आई मीन यू हैव टू बी वेरी टफ एंड स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन, आई थिंक, टू बी एबल टू टेक ऑल दैट. एंड या आई मीन एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूँ. I would not want to be in a situation like that, you know. Actually, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में, seriously. It will come on an easier topic. Valentine's Day is around the corner. So, what plans for Valentine's Day? कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरा शूटिंग चल रहा है अब्बास मसान सर के साथ. So, yeah, we are actually shooting on Valentine's Day in Rajasthan. So actually I am very excited ki main finally Rajasthan ke liye ja rahi hu. So yeah, I will be spending it there only. I wish you all a beautiful and lovable Valentine's Day. So celebrate it with all your loved ones, but do remember that you should actually celebrate Valentine's Day every day, but make this day थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल. आई थिंक ये पहली बार मैं इतनी इस कॉज के साथ एसोसिएट हो रही हूँ. इट्स अ फर्स्ट टाइम एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ बीइंग एसोसिएट विद कार्डियल्स फाउंडेशन. और जब मुझे ये मौका मिला ये करने का, आई थिंक आई जंप्ड एट इट राइट अवे, क्योंकि ऐसे फाउंडेशन और ऐसे NGO को सपोर्ट करना, not everybody is aware of it. So me being a public figure, I think jitna main kar sakun for everybody to be aware ki aisa ek foundation hai called Carl's Foundation, I'm happy to do my bit. I think surname is part of your name. Aap jo banate ho is naam ka, that is up to you, aur aap jo karte ho us naam ka, that is up to you. मैं एक्चुअली फॉर्चुनेट थी कि मैं भट्ट परिवार से हूँ, क्योंकि माई फैमिली हैज़ हैड द यू नो हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी वेरी आई शुड से सब्सटैंशियल करियर एंड सब्सटैंशियल थिंग्स इन दैट देव डन इन देयर लाइफ. मेरे पापा हमेशा एक्चुअली बहुत सारी चैरिटी और बहुत सारी सोशली
अवेयर रहते हैं एंड ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अदर पीपल नॉट ओनली हिमसेल्फ. तो आई थिंक मैं उन्हीं से सीख के ये कर रही हूँ क्योंकि हमेशा अपने आप के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए, कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस यही कहूँगी कि जैसे आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कुछ चीज़ होती है. विशिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ ऑसम टीवी अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे.